ने अंजलि शर्मा वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल एंड टूडेट वॉट इज ऑटो कॉलिमेटर बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब दिसल एंड प्रेस आइकन टू स्टे कनेक्टेड विदार्ट नाउ सबसे पहले हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन ऑटोकॉलीमेटर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल एंगल डिफरेंस इट मीन्स ऑटोकॉलीमीटर एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसका उपयोग छोटे कोण के अंतर को मापने के लिए किया जाता है फॉर स्मॉल एंगुलर मेजरमेंट इट प्रोवाइड्स अ वेरी सेंसिटिव एंड एक्यूरेट अप्रोच इट मीन्स छोटे माप्य कोण के लिए ये एक बहुत ही संवेदनशील और सटीक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं इट इज एसेंशियली एन इन्फिनेटी टेलीस्कोप एंड अ कॉलीमेटर कम्बाइंड इंटू वन इंस्ट्रूमेंट इट मीन्स ये अनिवार्य रूप से एक इन इन्फिनेटी टेलीस्कोप और एक उपकरण में संयुक्त एक कॉलीमीटर है सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑटोकॉलिमेटर नाउ लेट्स नो इट्सिपल इट मीन्स अब इसके सिद्धांत को जानते हैं वेन आ बीम ऑफ रेज कमिंग आउट ऑफ मोनोक्रोमैटिकलिंग अर कॉलिमेटिंग लेंस एंड इफ दिस पैरल रेज आर मेड टू फॉल ऑन रिफ्लेक्टर द रेज रिफ्लेक्ट बैक एंड ट्रेवल्स इन द सेम पाथ एंड कन्वर्जेज एट दिक सोर्स थ्रू द लेंस इट मींस जब किसी सोर्स से मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक वर्णीय या आप कह सकते हैं एक रंग का प्रकाश निकलता है और वो प्रकाश ऑटोकॉलीमेटिंग लेंस पर जाता है तो वो जो लाइट रेज होती हैं उस प्रकाश की किरणें होती हैं वो क्या होती हैं पैरेलल हो जाती हैं उस ऑटोकॉलीमेटिंग लेंस जो है उससे निकलने के बाद वो पैरेलल हो जाती हैं और जब वो पैरेलल रेज जो मिरर है आपका नाइनटी डिग्री पर रखा हुआ है उससे टकराती हैं जो क्या है वो मिरर है मिरर का क्या साइड होता है एक साइड से वो पॉलिस्ड होता है तो उससे क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है तो जब आपकी जो पैरल रेज हैं वो आके आपके मिरर को जो 90 डिग्री पर रखा है उससे टकराएंगी तो क्या होंगी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और वो reflect, जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस वे में करेंगी उसी पाथ में जिस पाथ से वो आई हैं जैसे कि आपको आपके डायग्राम में दिखाया जा रहा है यहाँ पर जिस पाथ से जो आपकी रेज थी प्रकाश की किरणें थी वो आई थी उसी पाथ में जिस पाथ से वो आई थी, थी उसी सेम पाथ में वापस चली जाती हैं इफ़ द रिफ्लेक्टर इज टिल्ड बाई एन एंगल ठीटा एज शोन इन फिगर देन द रिफ्लेक्टेड रेज मेक्स एन एंगल टू ठीठा एंड कन्वर्ज एट पॉइंट ओ इट मीन्स यदि रिफ्लेक्टर एक कोण पर झुका हुआ है टिल्ट हुआ हुआ है जो कोण है थीटा तो जैसे ही वो थीटा कोण पे आपका जो प्लेन है रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टर प्लेन है वो थीटा कोण पर झुकेगा तो उससे जो रेज आकर टकराएंगी यानी कि उससे जो रेज आएंगी वो टू थीटा एंगल पर रिफ्लेक्ट करती हैं। ये प्रिंसिपल तो हम पहले से जानते हैं कि अगर कोई भी आपका प्लेन है रिफ्लेक्टिंग प्लेन है अगर उसको आप किसी भी एंगल पर मोड़ देते हैं तो जो रिफ़्लेक्शन होता है उससे रेज का वो उससे डबल एंगल पर होता है इट मीन्स अगर आपने थीटा एंगल पर जो आपका प्लेन है उसे टिल्ड किया है तो जो रिफ़्लेक्शन होगा वो टू थीटा होगा सो ओ ओ डैश इज इक्वल टू टू थी एफ वेयर एफ इज फोकल यहाँ पे जो एफ है वो क्या है फोकल लेंथ है सो so, यही होता है ऑटोकॉलीमेटर का प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत आइए अब इसकी वर्किंग जान लेते हैं बट उससे पहले इसके जो कॉम्पोनेंट होते हैं एक बार उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं सो फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव लेंस सेकेंड बीम स्प्लेटर थर्ड आई पीस फोर्थ इल्यूमिनेशन डिवाइस फिफ्थ रिफ्लेक्टर टारगेट ग्रेटिक्यूल फर्स्ट उद्देश्य लेंस सेकंड बीम स्प्लिटर थर्ड आंख का टुकड़ा फोर्थ रोशनी डिवाइस फिफ्थ परावर्तक सिक्स्थ लक्ष्य स्थूल सो so, यही होते हैं ऑटोकॉलिमेटर के कॉम्पोनेंट्स आइए अब इसकी वर्किंग जान लेते हैं सो so, इसकी वर्किंग शुरू करते हैं सबसे पहले ये बता देते हैं कि कौन सा कॉम्पोनेंट आपका कहाँ पे लगा हुआ है सो so, ये है आपकी आई पीस और यहाँ पे है एल्यूमिनेशन यानी कि लाइट सोर्स जहाँ से आपको लाइट मिलेगी और यहाँ पे ये जो वो सरफेस है जिसका हमें मेजरमेंट देखना है यानी कि ये देखना है कि ये जो सरफेस है ये आपकी स्ट्रेट है 90 डिग्री पर है या फिर किसी थीटा एंगल पर टेल्ट है यहाँ पे ये जो छोटी सी आपको दिख रही है इसे हम डिटेक्टर कहते हैं ये डिटेक्टर पे हमें ये पता चलता है कि जो आपकी इमेज है वो कहाँ बननी है सेंटर लाइन पे है या उससे ऊपर या नीचे है अगर इमेज आपकी सेंटर लाइन पे होगी इट मीन्स आपकी जो सरफेस है वो क्या है नाइन्टी डिग्री पे है लेकिन अगर आपकी इमेज सेंटर लाइन से ऊपर या नीचे होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपकी सरफेस है वो कुछ ना कुछ एंगल पे टिल्ट है तो शुरू करते हैं अब इसकी वर्किंग ये जो आपका लाइट सोर्स है यहाँ पे जो लाइट होगी यहाँ से वो लाइट नीचे आएगी और यहाँ पे ये जो आपका मिरर लगा हुआ है ये क्या है किसी एंगल पे टिल्ट मिरर लगा हुआ है जिसे हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्टर कहते हैं तो ये जो लाइट आएगी ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करके इस लेंस से होते हुए वो जो आपकी सरफेस है जिसे मेजर करना है उस पर पड़ेगा तो इस सरफेस पे पड़ने के बाद जो आपकी रेज़ होंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी मतलब रिफ्लेक्ट करेंगी तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद अगर उनकी जो पाथ है यानी कि रेज़ का जो पाथ है वो सेम है जिस पाथ से रेज गई थी अगर उसी पाथ से रेज वापस आ रही हैं इट मीन्स आपकी जो सरफेस है वो बिल्कुल स्ट्रेट है यानी कि नाइन्टी डिग्री पर है लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिखाया है यहाँ पे हमने क्या दिखाया है कि ये जो आपका इमेज है यानी कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये क्या है एल्फ़ा एंगल पर टिल्ट है तो अगर कोई भी आपकी सरफेस है अगर वो किसी एंगल पर टिल्ट है तो उस सरफेस से जो रेज़ रिफ्लेक्ट होंगी उनको क्या हो वो कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट होंगी उससे डबल एंगल पे। इट मीन्स अगर यहाँ पे जो आपका सरफेस है ऑब्जेक्ट है अगर वो एल्फा एंगल से टिल्ट है तो फिर जो रेज़ होंगी वो टू एल्फा एंगल से रिफ्लेक्ट होंगी सो so ये क्या यहाँ पर क्या हो रहा है ये जो आपका सरफेस है ऑब्जेक्ट है इससे रेज रिफ़्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्शन के बाद उनका जो एंगल है वो क्या है टू एल्फ़ा और अगर आप इसे थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डिटेक्टर पे इसकी जो इमेज है वो सेंटर लाइन से नीचे बन रही है और क्योंकि जो इमेज है वो सेंटर लाइन से नीचे बन रही है तो इसे देख के आपको पता चल जाएगा यहाँ पे जो आई पीस है इससे आप देखेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका सरफेस है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट नहीं है किसी न किसी एंगल पर टिल्ट है और हमारे ऑटो कॉलीमेटर्स जो होते हैं वो यही देखने के काम आते हैं कि जो आपका सरफेस है उसमें कुछ ना कुछ एंगल है या नहीं है यानी कि 90 डिग्री पे है या फिर वो किसी भी एंगल पे टिल्ट है तो स्मॉल एंगल को मेजर करने के लिए हमें जो हमारे ऑटो कॉलीमेटर्स होते हैं इनको यूज़ करते हैं तो यही है इसकी वर्किंग बहुत सिंपल सी वर्किंग है आपको सिर्फ क्या करना होता है ये देखना होता है कि जो इमेज है वो सेंटर लाइन पे बननी है या सेंटर लाइन से ऊपर या नीचे है अगर सेंटर लाइन पे होगी तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 90 डिग्री पर है और अगर उससे ऊपर या नीचे होगी इट मीन्स कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें वो किसी न किसी एंगल पर टिल्ट है झुकाव है उसका किसी न किसी एंगल पर तो यहाँ पे यही हमने इस डायग्राम की सहायता से आपको समझाने की कोशिश की है आई होप कि आपको समझ आ गया होगा तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑटोकॉलीमेटर्स के एडवांटेजेस मीन्स लाभ ऑटोकॉलीमेटर्स को यूज़ करने के क्या क्या लाभ होते हैं वो सो so, इसके जो लाभ हैं यानी कि एडवांटेजेस हैं वो कुछ इस तरह हैं कि जो ऑटो कॉलीमीटर्स होते हैं ये मेजर करते हैं स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस को यानी कि अगर आपको स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस को मेजर करना है तो भी आप जो ऑटो कॉलीमीटर्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं यूज फॉर हायर एक्यूरेसी मेजरमेंट मीन्स इनसे अगर आपको हायर एक्यूरेसी चाहिए तो वो उसके लिए आप ऑटोकॉलीमेटर्स का यूज़ करते हैं टू चेक स्क्वायरनेस एंड पैरलिज्म यानी कि अगर आपको चौकोरपन, स्क्वायरनेस और पैरिज्म यानी कि समांतरता देखनी है तो भी आप ऑटोकॉलीमीटर्स का यूज़ करते हैं इजी टू सेटअप एंड ऑपरेट बहुत ही इजी है इसका सेटअप करना और ऑपरेट करना भी बहुत इजी है ये तो आप जान ही चुके हैं वर्किंग में कि इसका सेटअप कितना ईजी है और ऑपरेट करना तो इसे बहुत ही ज़्यादा ईजी काम है यूज टू अलाइन कॉम्पोनेंट्स मीन्स अगर आपको कॉम्पोनेंट्स को अलाइन करना है संरेखन करना है तो भी आप ऑटो कॉलीमेटर्स का यूज़ करते हैं एंड लास्ट वन इज मेजरिंग स्मॉल एंगल्स ये तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया था डेफिनेशंस में ही डेफिनेशन जो बताई थी उसमें ही कि जो आपके ऑटो कॉलीमेटर्स होते हैं इनका यूज़ हम स्मॉल एंगल्स को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं अगर हम अपनी वर्किंग पे जाएँ तो हमने ये देखा था कि वर्किंग में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें कितना एंगल है यानी कि उसमें एंगल है या नहीं है तो ये तो हमें पता चली गया है कि जो हमारे ऑटो कॉलीमीटर्स होते हैं इनका यूज़ हम छोटे एंगल्स को यानी कि स्मॉल एंगल्स को मेजर करने के लिए करते हैं सो ये तो होते हैं ऑटो कॉलीमीटर्स के एडवांटेजेस आइए अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस जो होते हैं उन्हें भी जान लेते हैं सो डिसएडवांटेजेस जो हैं उसमें सबसे पहले है रेगुलर मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड यानी कि जो आप ऑटो कॉलीमीटर्स यूज़ करते हैं उनका आपको रेगुलर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है देन डिफ़िकल्टी इन पोजिशनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन यानी कि जो आपकी पोजिशनिंग होती है जो आपके लेंस कहाँ लगाने हैं कहाँ मिरर है डिफ्लेक्टर डिटेक्टर कहाँ रखना है रिफ्लेक्टर कहाँ रखना है मींस जो भी पार्ट्स होते हैं कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनकी पोजिशनिंग करने में और उनको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है देन टाइम कंज्यूमिंग जब आप उसका सेटअप करते हैं तो उसमें टाइम लगता है यानी कि उनको जैसे कि मैंने आपको बताया पोजीशनिंग में और आइडेंटिफिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है तो फिर यही जो हमारी डिफ़िकल्टी होती है यही टाइम कंज्यूमिंग भी होती है क्योंकि जब हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं तो ये हमारे क्या करती है टाइम्स ज़्यादा ले लेती है तो ये जो हमारे ऑटोकॉलीमेटर्स होते हैं ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं एंड द लास्ट वन इज़ रिक्वायर्स सैम्पल कटिंग एंड प्रोसेसिंग फॉर ट्रेसिंग बाय द डिटेक्टर इट मीन्स कि डिटेक्टर के द्वारा ट्रेसिंग करने के लिए आपको नमूने की यानी कि सैम्पल की कटिंग और प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है सो so ये भी इसका एक डिसएडवांटेज होता है सो so यही होते हैं ऑटो के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यानी कि लाभ और हानियाँ अब हम जानेंगे कि जो आपके ऑटो कॉलीमीटर्स होती हैं इनकी एप्लीकेशनस कहाँ कहाँ होती हैं वैसे तो जो ऑटो होते हैं इनकी एप्लीकेशन्स बहुत ज़्यादा हैं पर मैं आपको कुछ एप्लीकेशन बताऊंगी जिन्हें आप अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो हमारे ऑटो कॉलीमेटर्स हैं इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं और कैसे कैसे हम इन्हें यूज कर सकते हैं सो so, ऑटो कॉलीमेटर्स की मेन कुछ इस तरह हैं चेकिंग स्ट्रेटनेस ऑफ मशीन टूल स्लाइड वेज चेकिंग डिवाइडिंग हैड फॉर दे एंगुलर डिसमेंट्स मेजरिंग वेरी स्मॉल एंगल्स मेजरिंग स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स चेकिंग फ्लैटनेस ऑफ बैड प्लेट एंड सरफेस टेबल्स चेकिंग स्क्वायरनेस ऑफ कॉलम टू बेस एंड लास्ट इज चेकिंग पैरलिज्म सो यही होती हैं ऑटो कॉलोमेटर्स की एप्लीकेशन सो so, आज के लिए बस इतना ही आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू